ओके ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ एसडीआर। आज के एपिसोड में हम करने वाले क्रेजी सा डीआईवाई, और वो डीआईवाई ना थोड़ा स्टिकी होने वाला है। मतलब कि आज के आर्टवर्क में हम इस्तेमाल करने वाले ग्लू से ही पूरा आर्ट बनाने वाले, और जो आर्ट है वो है ग्लिमरिंग आर्ट। अब इस ग्लिमरिंग आर्ट को बनाने के लिए हम ग्लू तो इस्तेमाल कर रहे, बट जो ग्लू है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। मतलब प्रॉब्लम भी थी और सोल्यूशन भी था। प्रॉब्लम के बारे में आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ग्लू जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। मतलब कि हम अपना पेंटिंग बनाएंगे ग्लू से, तो पेंटिंग जो है ड्राई हो जाने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सोल्यूशन हमें ये मिला है कि हम 90% ग्लू ऐड करेंगे और 10% कलर ऐड करेंगे। मतलब 90% ग्लू और 10% कलर दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमारा जो पेंटिंग है वो विजिबल बन जाए। तो हमें ये आर्टवर्क का सोल्यूशन भी मिल चुका है। तो जाते हैं डेक्स वाले एंगल में, देखते हैं कि आज का आर्टवर्क बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे। चलते हैं डेक्स वाले एंगल। ओके ऑलराइट गाइस, सो आज के आर्टवर्क बनाने के लिए हमें जो मटेरियल लगने वाला है वो है ये बटर पेपर शीट, क्योंकि हमारा जो बेस होने वाला है वो ग्लू का बेस होने वाला है, बट उसके नीचे भी और एक बेस होने वाला है, मतलब कि बटर पेपर शीट का बेस। तो यहाँ पे मेरे पास ये बटर पेपर शीट, फिर यहाँ पे मेरे पास एक्रिलिक पेंट्स और कुछ ग्लू। और ग्लू आप परचेस करोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लू परचेस करना, क्योंकि आज के आर्टवर्क बनाने के लिए हमें जो ग्लू लगने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगने वाला है। तो इसके लिए ग्लू की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा रखना, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास ये ग्लू, यहाँ पे मेरे पास ये क्लियर कोट स्प्रे मैट फिनिश वाला, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्केल, पेंसिल इरेजर और कुछ ब्रशेस। इतने ही मटेरियल लगने वाले हैं आज के आर्टवर्क बनाने के लिए। सो हम शुरू करेंगे अपना प्रोसेस नंबर वन। प्रोसेस नंबर वन के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स लगने वाले उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बटर पेपर शीट, ब्लैक कलर का एक्रिलिक पेंट और एक फैट ब्रश। सो हमारा जो बेस होने वाला है वो बटर पेपर शीट का बेस होने वाला है, बट बेस को हम करेंगे ब्लैक शेड, और ब्लैक शेड वो भी शाइन वाला नहीं, मैट फिनिश वाला ब्लैक शेड करने वाले। सो ये जो एक्रिलिक पेंट है वो शाइनी है, और फिर उसको शाइनी को मुझे मैट बनाने के लिए मैं यूज करूंगा ये क्लियर कोट स्प्रे। सो इतने ही मटेरियल लगने वाले अपने फर्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैक कलर, पानी मत यूज करना, डायरेक्टली आप पेंट करते जाइए। ओके ऑलराइट गाइस, सो जो ब्लैक कोट किया था उसे हमने करीबन 30 मिनट्स के लिए ड्राई होने दिया, और अभी ये ड्राई हो चुका है, और ये जो ब्लैक कोटिंग है वो थोड़ा शाइनी कोटिंग है, और हमें चाहिए मैट फिनिश। सो यहाँ पे है मेरे पास ये क्लियर कोट स्प्रे मैट फिनिश वाला। अब इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे एक लेयर, फिर उसको थोड़ा ड्राई होने देंगे, एंड देन डिज़ाइन वाला प्रोसेस शुरू करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास ये क्लियर कोट स्प्रे, इसे ओपन करते हैं, हल्का सा शेक करते हैं, ओके, और एक सर्टेन डिस्टेंस से हम स्प्रे करेंगे। ओके, सो ये हो चुका है स्प्रे। अभी इसे थोड़ा सूखने देते हैं, फिर अपना डिजाइन वाला प्रोसेस शुरू करें। सो आप देख सकते हैं कि पूरा जो बेस है वो हमने कर लिया ब्लैक मैट बेस। अब हम करने वाले अपना सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करने वाले उसके बारे में आपको बताता हूँ। सेकेंड प्रोसेस में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो बेस है इसके ऊपर हम अपनी जो डिजाइन है वो बनाने वाले। अब ब्लैक शीट के ऊपर मैं पेंसिल से डिजाइन बनाऊंगा तो आपको नजर नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा ये व्हाइट कलर की पेंसिल। व्हाइट कलर की पेंसिल से हम डिजाइन बनाएंगे, और डिजाइन मतलब कि एक लेन होगा, थोड़े बिल्डिंग्स हो गए और थोड़े ट्रीज हो गए। यहाँ पे मेरे पास ये व्हाइट कलर की ग्लास पेंसिल, डिजाइन शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी हम करने वाले हैं अपना प्रोसेस नंबर थ्री। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी आपको व्हाइट कलर की लाइंस नजर आ रही है उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर से एक बॉर्डर करूंगा। मतलब ये व्हाइट कलर की जो लाइन है इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की एक बॉर्डर करने वाला। उसके लिए हम यूज करने वाले है ग्लू कलर मिक्स। ये जो हमारे पास ये ग्लू है, ये ग्लू ड्राई हो जाने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको ट्रांसपेरेंट से कलरफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा एक्रिलिक कलर मिक्स कर देंगे। सो इससे क्या हो जाएगा कि ये ग्लू ड्राई होगा तब ऑटोमेटिकली जो हमने कलर मिक्स किया उस कलर फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम करने वाले हैं ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन। सो ब्लैक कलर की बॉर्डर लाइन करने के लिए हम यूज करेंगे एक्रिलिक का ब्लैक शेड, उसके अंदर थोड़ा मिक्स कर देंगे, एंड देन यहाँ पे छोटी सी कैविटी होती है उसके हेल्प से हम जितने भी व्हाइट कलर के आउटलाइंस नजर आ रहे उनको हम कवर अप कर लेंगे ब्लैक ग्लू से।
ओके ऑलराइट गाइस, सो हमने ब्लैक आउटलाइन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और इसे करीबन मैंने 5 से 6 घंटे ड्राई होने रखा, क्योंकि हमने जो मटेरियल यूज किया है वो है ग्लू मटेरियल। तो ग्लू मटेरियल को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब 5 से 6 घंटा। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। फर्स्ट वाले प्रोसेस में हमने जो कलर मिक्स किया था, सेम प्रोसेस होने वाला है बट थोड़ा डिफरेंट वे में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो कलर मिक्स किया था वो डायरेक्टली ग्लू के बॉटल में ही कलर मिक्स किया था, बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे, ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर मैं 90% ग्लू डालूंगा और 10% कलर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास ये ग्लू, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर कलर पोर करते हैं। ये कंटेनर में मैंने ग्लू डाल दिया। अब मैं जो कलर करने वाला हूँ ये ब्रिक्स को, वो है येलोइश शेड। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्रेलिक कलर येलो का, इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर हम हल्का सा येलो कलर मिक्स करेंगे। अभी जो अपना ग्लू बन चुका है वो कलरफुल ग्लू बन चुका है, देख सकते हो 90% ग्लू और 10% सिर्फ हमने कलर ऐड किया है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ब्रिक्स के पार्ट नजर आ रहे हैं, उसमें मैं यूज करूंगा ये स्मॉल ब्रश यूज करूंगा। और आप जो ब्रश यूज करोगे ना तो स्पेयर ब्रश यूज करना, मतलब आप उस ब्रश को बाद में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गम से ब्रश डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए स्पेयर ब्रश यूज करना। यहाँ पे मेरे पास ये स्मॉल ब्रश, अब इसको हम इसमें डिप करते हैं और यहाँ पे कलर करना शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, ये ब्लैक वाले जो हमने आउटलाइन बनाया उस पर कलर नहीं जाना चाहिए। ओके ऑलराइट गाइस, सो फाइनली अपना आर्टवर्क हो चुका है कंप्लीट। इसको मैंने करीबन 4 से 5 घंटे ड्राई होने दिया और प्रॉपरली ड्राई हो चुका है आर्टवर्क। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो शेडो इफेक्ट है, इसके अंदर मैंने जो कलर की जो क्वांटिटी वो कम ऐड की और ग्लू की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड की। इसके लिए आपको ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला इफेक्ट नज़र आ रहा है शेडोज़ में। आप ऐसा भी इफेक्ट जनरेट कर सकते हो, ज़्यादा ग्लू ऐड कीजिए और थोड़ा सा कलर ऐड कीजिए तो आप ऐसे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी जनरेट कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा ग्लू आर्ट रेडी। अब हम क्या करेंगे कि इसे हमने बटर पेपर पर बनाया। बटर पेपर को हमने ये अपने डेस्क पे स्टिक किया था टेप के हेल्प से, सो उसको हम रिमूव करेंगे और बटर पेपर के नीचे हम एक ड्राइंग शीट का बेस ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बटर पेपर है उसको एक फ्रेम वाला इफेक्ट मिलेगा और हमारा जो आर्ट वर्क है वो निखर के आएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार आर्ट वर्क, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ग्लू से हम ये आर्ट बना सकते हैं। आपको देखना है, एक सेकेंड आप लोगों को दिखाता हूँ ये प्यारा सा ग्लिमरिंग आर्ट, उसे हमने तैयार किया है ग्लू से। ये चेक कीजिए गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और हमने लास्ट में ये पेपर का जो फ्रेम वाला इफेक्ट आ रहा है ना, उससे हमारी जो पेंटिंग है वो और खूबसूरत हो गई है। और यहाँ पे आपको पेंटिंग की खासियत बताता हूँ। खासियत नंबर वन ये है कि ये जो पेंटिंग है ना, ये टेक्स्चर वाली पेंटिंग है, मतलब आप ऐसे हाथ लगाओगे ना तो आपको टेक्स्चर ही इफेक्ट फील होगा। और खासियत नंबर टू, मतलब कि हमने जो पेंटिंग बनाई वो ग्लू से बनाई है। सो ग्लू का आपको एक इफेक्ट दिखाता हूँ। जो स्ट्रीट है यहाँ पे आपको शैडोज नजर आ रही है, शैडोज देखोगे ना ट्रांसपेरेंट शैडोज है, मतलब कि हमने ना इसमें ग्लू ज्यादा ऐड किया और कलर बहुत ही कम ऐड किया, इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट वाला इफेक्ट आया। और ओवरऑल ये पेंटिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और ये आर्टवर्क भी पसंद आया होगा, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और इसका जो बी रोल्स है वो भी देख के जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।